नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लाए हूँ कि डोर हैंडल कैसे चेंज होता है। ये हमारा डोर हैंडल टूट गया है तो इस पर हम नया कैसे लगाएंगे, तो आप पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखेंगे। तो ये डोर टूट के और ये फंस गया है तो इसको कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक ये पिलास है, पिलास से थोड़ा इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे और गेट खुल जाता है। आप पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब यहाँ पर दो स्क्रू लगे थे, इन स्क्रू को हम खोल देंगे। जब खोल के ये गेट हमारा बाहर हो जाएगा। डोर हैंडल चेंज करने के लिए गेट को बाहर निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि अगली वीडियो बनते ही आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो ये खोल दिया हूँ, अब इसको हमको ये जो ऊपर कवर, इस कवर को खोलना है। तो इसमें 7-8 स्क्रू लगे हैं, इसको हम खोल देंगे, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोलेंगे। तो दोस्तों, हमने जितनी वीडियो बनाई है आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई कुछ पूछना है तो कमेंट ज़रूर करें, आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, ताकि आपको जानकारी मिल सके। नोटिफिकेशन दबा के रखेंगे तो जब अगली वीडियो बनाएंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हाँ, हमारी अगली वीडियो बन गई है। तो इस प्रकार से ये 4 नट खोल लिए, 4 नट 4 पेच और बचे हुए हैं। इन स्क्रू को हम बिल्कुल अच्छी तरह से खोल लेंगे। ध्यान दें कि ये प्लास्टिक पर कसा होता है, ज़्यादा इस पर छेड़खानी ना करें। और ये अब इसको हम ये कवर हटाएंगे। अब यहाँ पे 2 कील हैं, इन कील को निकालेंगे। कील को निकालने के हैंडल में इसको हम कील को फंसा देंगे। पहले हम कील को लगाएंगे, हाँ इसी में एक इसमें पहनाएंगे। पहनाने के बाद फिर हम दूसरी तरफ इसको पहनाएंगे इस तरफ। अब इसको हम बैठाएंगे, यहाँ देखेंगे तो नीचे साइड खांचा कटा होता है, मतलब कटिंग पे ही इस कील को बैठाना है। हमें कैसे बैठा रहा हूँ आप पूरी वीडियो देखो। और ये इस प्रकार से थोड़ा इधर, हाँ हाँ, ये अब ये बैठ गया बिल्कुल। इसको हम खांचे पे बैठा देंगे, ये बिल्कुल बैठ गया है। अब दोस्तों, इसके ऊपर हम जिस कवर को खोले थे उस कवर को रखेंगे। कवर ये लॉक डोर हैंडल की साइड रहेगा, 2 कटिंग है उधर रहेगा। अब इसको हम बिल्कुल, अब यहाँ पे ध्यान रहे कि हैंडल में ही ये लॉक फंसाना है इसको। हाँ, ये जो देख रहे हैं इसको आराम से उस पर बैठा देना है। अब ये बिल्कुल बैठ गया, ताकि हम पुश करें तो गेट खुल जाए। अब ये बैठ गया है। अब जितने स्क्रू हमने खोले थे इसको टाइट कर देंगे। ध्यान रहे कि इतना मत टाइट कर दो कि नीचे का भाग टूट जाए, मतलब जब तक लूज कसे कसो नहीं, फिर जहाँ बिल्कुल ये आपको दिखाई दे कि हाँ टाइट हो गया है तो फिर आप उसको छोड़ दें। तो ये हमारा IFB वाशिंग मशीन का डोर का हैंडल टूट गया था, इस पर हम नया लगा रहे हैं। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनी हुई है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि लोग हमारी वीडियो देखें और वो खुद काम करना सीख जाएं। मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ, फिर मैं वीडियो डालता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इस प्रकार से ये 2 स्क्रू और रह गए हैं, दोनों स्क्रू बिल्कुल टाइट हो गया है। अब ये हमारा गेट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा।
और ये बिल्कुल टाइट हो गया। अब दोस्तों हम गेट को उठाएंगे और गेट पे यहाँ पे जहाँ से निकाला था इसको ऊपर करके थोड़ा नीचे कर लेंगे ये। हाँ अब ये बिल्कुल लॉक में फंस गया है। पहले एक स्क्रू लगा के उसको हल्का सा दो तीन चूड़ी टाइट कर देंगे, दो तीन चूड़ी टाइट के इसको छोड़ देंगे। बस अब ऊपर वाले स्क्रू को लगाएंगे और ये इधर टाइट हो गया। और इस प्रकार से दोस्तों पूरा हम टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इस प्रकार से मैं जो भी वीडियो बन डालता हूँ आपको दिखाने के लिए, आप भी ऐसे काम कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।